एक बात से बता दो, मैंने अपने लोगों को एक बात बता दो। आप लगा लिया तो फिर वही बात होगी ना, बोला मारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टॉमी। की कटिंग है वैक्सीन लगने के बाद युवाओं को हो रही है दिल की जुड़ी बीमारी। हाँ जी, राम राम। चंडीगढ़ हाईकोर्ट से मैं लाइव हूँ। 55 पन्ने का हमारा बैन दिया जब्ता और जेल भेजने की तैयारी। तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट से मैं हूँ अभी लाइव। डॉक्टर बल्हारा भी आने लग रहे हैं और जेल भेजने की तैयारी है। बहुत बड़ा डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब भी आने लग रहे हैं, डॉक्टर बल्हारा। तो फिलहाल भाई जेल भेजने की तैयारी हुआ। तो मास कांड हुआ था 3 जनवरी 2022 में, उसको लेकर के डॉक्टर साहब भी अपना लव लेटर लेकर आने लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका हाथ में लव लेटर, इसके कितने पन्ने आपके? करीब 100। ओहो, उठे नहीं आपका छो हंसते यहाँ पर भी। चलो मेरे भी इतने पन्ने बराबर तोल के देखो। और मैं चाहूँ भाई आप जेल के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करो। प्रदर्शन किया मेरा लागा जी भाई। 2 साल का इंतजार जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। और ये भाई वजन बहुत ज़्यादा है, कोशिश करी गई है वजन इतना रखा था कि जो जज साहब हैं वजन देखते कोई फैसला ले लें, लेकिन सारी चीज़ सबूत के हिसाब से चल रहा है। तो 55 पन्ने मेरे हैं, 55 पन्ने डॉक्टर साहब के हैं। डबल करा को नहीं, अपने पूरे हैं सारे, 100 के करीब हैं, 100 दोनों आगे हैं। मतलब वजनदार है भाई हमारे खिलाफ जो फाइल बनाई है। नहीं 97-98 तो याद आ रहा है, चिट्ठा बांध दिया ये देखो भाई। हाँ फिर 189 नंबर ये रहा ना। ओहो, 100 पन्ने आपके, 100 मेरे करीब करीब। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में आप कैमरा तो इस पर नहीं मरवा सकते, बाकी नू देख लो भाई। यह चीज़ आयली है और आज हमारा तारीख भी थी। ये हमारी तैयारी अगली कह रहा होगी, बता दो डॉक्टर साहब क्या है। बस कुछ नहीं, देखो क्योंकि मामला जो है वो सब जुडिस है और माननीय जिस किसी भी अदालत है उसका हमारे को सम्मान करना पड़ेगा। इबाल तो इतना हम देश की अदालत और जनता की अदालत में जब तक हम नहीं जानते तो उसको उसकी जितना किसा सम्मान बच रहा है उस सम्मान को करते हुए हम इस के पूरे तथ्य जो है कोर्ट के सामने रखेंगे। सारे मसले को बताएंगे, देश की सारी जनता को हम लोग बताएंगे कि ये लोगों ने अभी हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं। और अच्छी बात क्या रही, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आप सोच रहे थे वही आरोप लगाए। हाँ, वो असल में क्या होता है, आमतौर पे 188 का जब भी मुकदमा होता है तो जो मुकदमा करने वाला आदमी है वो मतलब कुछ भी उल जलूल आरोप लगा देता है। यहाँ इस केस में क्या हुआ कि थैंक्स टू करमू भाई और संसार क्रांति टीम के बाय चांस ये लोग साथ में थे, तो इनकी वजह से वो जो मसला था वो पूरे देश के सामने चला गया। और उस वीडियो के सबूत जो हैं वो पूरे के पूरे नू पड़े थे, तो वो एक भी लाइन उससे बाहर वो लिखने की पोजीशन में थे नहीं। तो इन्होंने जो बेस बनाया है वो ये बनाया कि एडमिनिस्ट्रेटर का ऑर्डर था और उस ऑर्डर को मानने से इन्होंने मना किया था। और क्यों मना किया था, केस होता था ये, तो आप अगली जो बहस होगी उस बहस में हम बताएंगे। 4 मार्च की अपने को तारीख मिली है। इवन्यू सोच लियो 4 मार्च जो है वो 23 मार्च के लगभग नजदीक पड़ा है। उस टाइम पे शहीदी दिवस पड़ा है, तो 4 मार्च ने आप चंडीगढ़ में ढोल नगाड़े बजाने की तैयारी कर सका। हाँ कि भाई आप आन लाग रहे हैं और कर लो तैयारी और आ जाओ, देखा के मुकदमे में फैसले होंगे। तो उस दिन जो है वो इसके ऊपर बहस के लिए डेट मिलेगी और उसके बाद फिर हम लोग इस पूरे के पूरे मसले पर कि बहस के बाद फिर एविडेंस वाला होगा। और एविडेंस में फिर जब फंस गए तो फिर भाई अगला कार्रवाई जो है वो सरकार के ऊपर क्या होगी, जो अधिकारी बोल जलूल आरोप लगा रहे थे उस पर क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटर के आदेश का क्या होगा। और ये एक ऐसा केस साबित हो सकता है पूरे देश के लिए जो ये साबित कर सकता है कि सरकार ने ठीक करा था, गलत करा था। मतलब अगर जो इस केस में ये 2 मानस बरी हो गए तो ये समझ लियो कि सरकार ने सारे देश का फुद्दू गांठ दिया। हाँ, और जय अगर हम अंदर चले गए तो इसका मतलब सरकार यह साबित करने में कामयाब हो गई कि वह ठीक थे, वह ठीक थे और हम गलत थे, और हम बरी हो गए तो हम ठीक थे, सरकार गलत थी। अगर सरकार गलत थी तो भाई ये 3 साल में जितने भी अन्याय आपके ऊपर करे हैं उन सबका जानना लेवांगे आप सारा। देखो एक चीज का हम इंतजार कर रहे थे भाई, कब से हमारे खिलाफ चलाना होगा। हालांकि जब हम अंदर गए आज तारीख पे तो सबकी नजर, सबके चेहरे उतरे थे माँ जी क्या बात होगी? बोला जी आपके खिलाफ चलान आ गया। मैं क्या दिक्कत होगी? चलान आ गया तो क्या बात, हम तो खुद इंतजार कर रहे थे 2 साल ला जी चलान आने में, चलान आ गया। जो चीज हम चाह रहे थे वही चीज इसमें लिखी हुई है, यानी कि जिस चीज का हमने था भाई जहाँ जहाँ गलती करेगा प्रशासन वही गलती कर रखी है। हम बताना चाह रहे किए हुए वो हमारे वकील जो हैं वो बहस करेंगे, सारी चीज आऊंगी लिखड़ गए। 4 मार्च अगली तारीख है और जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई और अब लड़ांगे आर पार की लड़ाई। एक चीज बस आप लोगों से मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप लोगों को बात समझ में आवे तो, कि हम लोगों से जो 4 साल में जो इन्होंने हमारी तारीख पर तारीख लगाई है, जो पैसा बर्बाद किया है, जो ऊर्जा बर्बाद करी है, जो बोदरेशन दी है, जो हरासमेंट हुआ है, उसका अर्जाना कौन देगा? क्योंकि ये तो जांच होगा, महीने 2 महीने में हो जाना चाहिए था ना भाई। अगली तारीख पकड़ दो, नहीं तो उसका अगली पकड़ दो, नहीं तो उसका अगली पकड़ दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आम इंसान है, जो समाज का आदमी, वो किस बात पे मतलब डरता है और किस बात पे वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाता है कि कोर्ट के जो मसले हैं ये इतने लंबे चलते हैं। बाकी चलान पेश हो गया है, थोड़ा निपटारा होगा। एक आखिरी बात है भाई, हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाक बेबाक की रवांगर। यह लड़ाई हमारी पर्सनल नहीं थी, यह सार्वजनिक लड़ाई है और 4 स्टेट के मास कटे थे हमारा भीतर जानते हैं, तो यह लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी और जीतांगे भाई। 4 स्टेट के क्यों हटे थे? नहीं, 4 स्टेट के हटे थे, 29 स्टेट थी और 7 केंद्र शासित। 4 स्टेट ने तो प्रत्यक्ष बेरा था ना भी, क्यों कर हटे हैं? हाँ। और ने तो हटे थी, लेकिन लड़ाई करते शुरू हुई थी, लड़ाई हटते शुरू हुई थी 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 2022 को। FIR नंबर 1 2022 की पहली FIR 1 नंबर के माना साहब आई FIR नंबर भी 1 होगी। चलो आपको 4 मार्च में मिलते हैं और आप लोग का प्यार हमारी ताकत है, उस ताकत की हमें जरूरत है। डर किसी बात का नहीं है, भीतर जाने का भी डर नहीं है, बाहर भी हम तो इतने खतरनाक है, भीतर भी इतने खतरनाक है, गलत लोगों के लिए चलो समाज के लिए जो गलत है उनके लिए। तो इस लड़ाई को जारी रखेंगे सारे दोस्त। अभी जनता सरकार मोर्चा की टीम को आप सपोर्ट कीजिए, 9518170000 पर मिस कॉल कीजिए और आप जितना भी कर्जा किसी ने ले रखा है उसका कर्जा जनता सरकार मोर्चा चुकता करने लग रहा है, वो तो आपने बेरा है। बाकी जल जंगल जमीन जानवर के फैसला गांव ले, ऐसा तैयारी कर लो। शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति और खेती में से पूंजीवाद और पैसे को हटाना है, यही जनता सरकार मोर्चा का नारा है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लो पन्ने देख लो, बाकी हम क्योंकि रूल के हिसाब से दिखा नहीं सकते, इनको सिर्फ ये कर रहे हैं, इसको पर्टिकुलर नहीं दिखा सकते क्या इसमें लिखा हुआ। चलो जी बाय बाय, पकड़ पा दो सर इनका। हाँ जी जी क्या था आप जो